आपको आगाह करें, एसपी सिटी सिलवान जफर सीसीपीओ से हाथ कर गए। थाने में शहरी से रिश्वत लेने पर सीसीपीओ ने एसपी सिटी को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और एसपी सिटी ने सीसीपीओ को रिपोर्ट भिजवाई कि एएसआई इफ्तिखार को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली इंक्वायरी रिपोर्ट की हद तक रही। एएसआई इफ्तिखार थाना रावी रोड में ड्यूटी करने लगा। एसपी सिटी ने सीसीपीओ को ला इल्म रखते हुए एएसआई को ड्यूटी जारी रखने का हुक्म दिया। पुलिस जराए की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है। एसपी सिटी सलमान जफर सीसीपीओ से हाथ कर गए। थाने में शहरी से रिश्वत लेने पर सीसीपीओ ने एसपी सिटी को इंक्वायरी का हुक्म दिया था और इस हवाले से एसपी सिटी ने सीसीपीओ को रिपोर्ट भिजवाई कि एएसआई इफ्तिखार को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन मुअत्तली इंक्वायरी रिपोर्ट की हद तक ही रही। एएसआई इफ्तिखार थाना रावी रोड में ड्यूटी करने लगा। पुलिस जराए की जानिब से बताया गया है कि एसपी सिटी ने सीसीपीओ को ला इल्म रखते हुए एएसआई इफ्तिखार को ड्यूटी जारी रखने का भी हुक्म दे दिया था। एसपी सिटी सलमान जफर सीसीपीओ के साथ हाथ कर गए। थाने में शहरी से रिश्वत लेने पर सीसीपीओ ने एसपी सिटी को इंक्वायरी का हुक्म दिया था और रिश्वत लेने के बाद उसको अफसर को मुअत्तल करने का भी हुक्म सामने आया था सीसीपीओ की जानिब से, लेकिन एसपी सिटी सलमान जफर सीसीपीओ के साथ ही हाथ कर गए और एसपी सिटी ने सीसीपीओ को रिपोर्ट भिजवाई कि एएसआई इफ्तिखार को उन्होंने मुअत्तल कर दिया है, लेकिन उन्होंने उनको मुअत्तल नहीं किया। मुअत्तली इंक्वायरी रिपोर्ट की हद तक ही महदूद रही और एएसआई इफ्तिखार अपनी ड्यूटी करते रहे थाना रावी रोड में।